प्रथम हाथी घोड़े के दौर करवाया था जिसमें अब कुश्ती बहुत तगड़ी होने जा रही है। फाइनल कुश्ती जो जीतेगा वो गदा जो है ये उसी को मिलेगा। ये गदा इनाम विराज है, सीरीज है गदा जो यहाँ पर दी जा रही है। ये कहता है कि मेरा बेटा पढ़े और अधिकारी बन जाए। हमारे दिल में तमन्ना थी कि मेरा बेटा पहलवान बने, फाजापुर का नाम करे। एक तरफ है जलगनी पहलवान, फाजापुर पट्टा सरोवर मेला, दूसरी तरफ है कल्लन पहलवान राजस्थान। दोनों पहलवान आगे बढ़े। एक ईमानदार ही आदमी रहेगा, हाथ पैर देखे फौल नहीं। हेलो मैसे आप हाथ फौल देखिएगा। चलिए पहलवान शांत रहे, शांत रहिए। बात हो गया नहीं, ये गंगानगर राजस्थान नहीं। जब तक दोनों कंधा छपेगा नहीं, ये फाजापुर क्षेत्र का वीर है। यहाँ क्षेत्र की जनता है, थोड़ा धीरज है। कुश्ती में भारी आनंद आएगा। एक तरफ अबूझ बालक है, एक तरफ पहलवान है जिसको भारी घमंड रावण की तरह है। देखिए कुश्ती किस करवट पर जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। बचाव में रहे दोनों पहलवान, बचाव में रहे। अंदर आइए, हेलो बीच में है, चलिए बच जाएंगे। ऐसे पंजा चढ़ा रहा है, मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए। पंजा खराब हो जाएगा पहलवान, आप बड़े पहलवान कोई बाहर से मानता है। एक नहीं था
लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या कर दिया पहलवान। देखिए चुस्के से हर गांव जानते हैं सरदार भाई, ये गजा उन्होंने प्राप्त किया था वो गजा उन्होंने रखा है, ये मत सोचिए कि वो हर गांव नहीं जानते। दर्शक तंत्र है और दोनों के बीच में चल भाई रेफरी झांके ये कदम उन्होंने रखा है, ये मत सोचिए कि वो हर गांव नहीं जानते। दर्शक तंत्र है दोनों के बीच में रेफरी झांके कुछ पकड़ा भी हो इसका होए होए का तो देख नहीं हेलो कुछ नहीं आज है बचाओ है बोलिए बोलिए बालें में पेट में और तब बाद में जब पहाड़ या पहलवान को उन्हें ताकत ताकत रेफरी रेफरी को ये पहाड़ पर प्रभाव बना सकते हैं रेफरी को पावर खड़ी मंच रखिए पहलवान बीच में रहो हेलो रुक जाइए रुक जाइए बचाने हेलो बेटा पत्थर मत चलाए अरे फिर साहब ध्यान दे मोजा बचाओ खड़ी मंच रखिए पहलवान ठीक है सही है लगा हुआ ठीक है लगा हुआ लेकिन ज्यादा मत करवाइए ठीक है मोजा नहीं दिए मोजा नहीं करवाइए पहलवान हाँ हाँ बंदे में चलाइए बंदे में चलाइए बाकी ठीक है हाँ चलिए बाकी ठीक है चलिए दबाव है बचाओ कमर पर गीता छोड़ सही पड़ गए कौन से चैनल आपका पंकज गांव वाला पंकज गांव बड़ा करारा चक्कर चल रहा है दोनों के बीच में भैया
जबरदस्ती जीत ले रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर जनता जीत उंगली टूट जाती है तब दुर्ग प्रारंभ होता है। ऐसे जल्दी से तो मैं ऐसा बीमारी करना फिर मैं करूंगा पूरा गहना। अरे आप लोग मेरे साथ मैं भी इसके बाद नाराजी करूंगा। कुछ नहीं है आगे बस ऐसे देखो ऐसे देख ऐसा देख ना ऐसा देख एक मिनट ऐसे देखो। हेलो दोस्तों, आप सभी पंकज गांव वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली तहसील सलोन यहां पर ख्वाजापुर जगह का नाम है यहां पर हूं। हमारे साथ है यहां पर सरवन शेख जी जो यहां के दंगल लगवाते हैं। ये यहां पर दंगल बहुत फेमस होता है, नेशनल लेवल का दंगल है। यहां पर देखिए विजेता हुए हैं फैजल गनी दंगल के बाद। अभी जो दंगल है ये पूछे कि कब से हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल, बिहार, अलग अलग स्टेट के यहाँ पर प्लेयर आते हैं जो कि गांव में होता है। ये बताइए सरवन शेख जी, आप इसका ये दंगल का कब से कर रहे हैं? ये सन 2002 से दंगल और मेला की शुरुआत लगातार चल रहा है। लगातार ये बताइए जो दूर से लोग वीडियो देख रहे हैं कब चलता है? जैसे मान लीजिए कोई पहलवान देख के वीडियो देख के आना चाहता है लड़ने के लिए, तो वो किस टाइम आए कि यहाँ पर दंगल कब होता है ये बताइए। ये दंगल हमेशा कार्तिक पूर्णिमा के सातवें दिन लगता है। सातवें दिन लगता है जो कि यहाँ पर 10 दिन का मेला लगता है और लगभग कई दिन तक दंगल होते हैं इसके बारे में? हाँ, 6 दिन 7 दिन तक दंगल होते हैं। अब की 3-4 दिन दंगल होगा। और यह बताइए किसकी स्मृति में या किसकी याद में कुछ फेस्टिवल किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो आप दंगल करते हैं ये सब कराते हैं? ये रोशन शाह बाबा, बस्ती शाह बाबा के उर्स के उपलक्ष्य में ये मेला दंगल कराया जाता है। दंगल कराया जाता है, काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर सरवन शेख जी के बारे में बता दें, मैंने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि सरवन जी यहाँ पर कई लाख रुपए हर साल खर्च कर देते हैं और यहाँ पर जो मेला लगता है किसी से 1 रुपए की बैठकी नहीं लेते हैं। और जो यहाँ मेले में दुकान लगाने के लिए आना चाहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेला लगता है आप आ सकते हैं और 10 दिन का मेला होता है। आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी भी चला सकते हैं। ये बताइए आपके दिमाग में कैसे क्या आया कि हाँ ये दंगल होना ही चाहिए? आप ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर दंगल कराते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, यहाँ से किसी 1 रुपया नहीं लेते हैं, ऐसा मोटिवेशन आपको कहाँ से कैसे क्या है इसके बारे में बताइए। मैंने देखा कि पहले परंपरा में दंगल होते रहे हैं, बीच में दंगल काफ़ी विलुप्त हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में। हमने देखा कि यहाँ की जनता शौकीन है और मेला और दंगल देखना चाहते हैं, बच्चे अपना शरीर बनाए। इसलिए मैं जनता जनहित के लिए, जनता के मतलब एक उत्साह के लिए मैंने ये मेला और दंगल का आयोजन किया जो राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहुँचा दिया। यहाँ के जो दंगल होता है यहाँ पर ऐसे नेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ पर खेल के चले गए हैं। ये दंगल बहुत बड़ा होता है जो आपको बता दें। और कुछ यहाँ पर इस मेले के खासियत के बारे में बताना चाहते हैं बता सकते? ऐसा लोग बोलते हैं पहले यहाँ पर हाथी घोड़े कुछ हाथी घोड़े की दौड़ मैंने प्रथम हाथी घोड़े की दौड़ करवाया था जिसमें पुलिस अधीक्षक संजय श्रीवास्तव और दिनेश प्रताप सिंह MLC मुख्य अतिथि थे और वहीं से शुरुआत हुई है मेले दंगल के और परंपरा की। यहाँ पर कुछ नया करने का प्रयास होता है। बगल में यहाँ पर समरपुर पक्षी विहार है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ पर पहले समय लगता है पक्षियों का मेला भी कहीं लगता था क्या? जी, पक्षी का भी मेला यहाँ लगता था, हाथी घोड़े की दौड़ भी हुई है और तीतर के भी मतलब
पक्षी से लेकर के आदमी से लेकर पक्षियों तक की मैंने यहाँ सब चीज की व्यवस्था जनता को देखने के लिए मनोरंजन के लिए किया था। एक सिंगल पर्सन समझ लिया किसी से यहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं लेता अपने पूरे दम पर, या यहाँ पर सरवन शेख जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए आपको जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी। आप इस तरह काम करते रहिए, अब समाज में यहाँ पर आप देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देखिए कितने एक्टिव हैं, यहाँ पर दंगल कराने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश ईस्ट में धीरे धीरे दंगल विलुप्त होता जा रहा है। पहले सुबह होती थी, लोग दंगलों में जाते थे, अखाड़ों में सुबह वहाँ पर होता, अब ऐसा दंगल गायब होता जा रहा है। लेकिन उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर सरवन जी कर रहे हैं, तो आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग यहाँ पर सरवन जी के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजा दीजिए। और पहलवान भाई यहाँ पर आइए, फैजल गनी यहाँ पर आपकी विजेता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप थोड़ा व्यूअर को बताइए अपना एड्रेस नाम पता यहाँ पर बताइए। अतर्रा बांदा जिला, अतर्रा बांदा जिला के रहने वाले हैं फैजल गनी, और आप कई कुश्ती जीते हैं यहाँ पर, देखिए आप विजेता हुए हैं, अगर आप इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई फैजल भाई। बहुत सारे बच्चों आपके देख के मोटिवेट हो रहे हैं, आपने देखिए यहाँ पर गाँव में आए, आप आज आप यहाँ के स्टार हैं, कई हज़ार लोग यहाँ पर आप चाह रहे हैं, आपसे बड़ा यहाँ पर आज कोई नहीं है प्लेयर है। आप जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। ये जो भी देन है मेरे चाचू और मेरे पापा की देन है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग नशे से बचे, बस शरीर बनाए और अच्छे काम में अपने भी लगाए। वीडियो आएगा पंकज गांव वाला चैनल पर, गांव के अच्छी चीज़ें जो हैं उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, रहन सहन रीति रिवाज। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा भी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पंकज गांव वाला मेरी आईडी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी भी आईडी है फैजल गनी नाम से, मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फैजल गनी, फैजल गनी पहलवान के नाम से इनकी आईडी है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। अमित भैया जी आए हैं जो कि एयरफोर्स में हैं, देखिए यहाँ पर गांव में दंगल का मजा ले रहे हैं, दो दिन के लिए छुट्टी आए हैं लेकिन इसे रहा नहीं गया, दंगल देखे भागे चले आए हैं, यहाँ पर एंटरटेनमेंट किया, मजा आ गया, बहुत मजा आया दंगल सुन के। 10 किलोमीटर दूर से हम चले आए देखने, 10 किलोमीटर नहीं, यहाँ तो अलग अलग प्रदेशों से लोग भी आए लेकिन। अभी भैया जलेबी खा रहे हैं, शुभम भाई भी खा रहे हैं, और सीएम जी को देखो, सीएम बेटा आप जलेबी खाने के लिए आए हैं, और बड़े भाई को देखो, बड़े भाई तो जलेबी स्पेशलिस्ट हैं ही, और नीचे दुकान देखो लगी है ये जलेबी, और मेले में अगर जलेबी न खाए समझो मेला अधूरा है। जलेबी खा रहे हैं, अशियम बेटा जलेबी खा रहे हैं, सीसी कर रहे हैं, मिर्चा खाता चल चूतिया नहीं के, अबे जलेबी यार खा तो खाए सीसी कर रहे थे, सीसी कर रहे हैं बताओ, खा रहे हैं जलेबी कर रहे हैं सीसी।